नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। कांग्रेस के सांसद अभिरंजन चौधरी द्वारा देश के 15 महामहिम को सदन में शब्दों का उपयोग करना भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं को नाग आवारा गुजारा है। भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के सांसद अभिरंजन चौधरी को देश के जनता के सामने माफी मांगने की मांग की है। वहीं इसको लेकर पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर के कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश जाहिर किया। भाजपा के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे को बुलंद कर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हाय हाय और अभिरंजन चौधरी देश के माफी मांगने वाले नारे लगाए हैं। बोकारो में भी सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता नया मोड़ बिरसा चौक पर जुटकर कांग्रेस हाय हाय के नारे लगाए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का पुतला फूंका और मांग की है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के गणमान्य पद पर बैठने वाली 15 राष्ट्रपति के तौर पर आदिवासी महिला का मॉनसून सत्र में सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसद द्वारा अभद्र टिप्पणी किया है, जहां देश के प्रथम नागरिका 15 राष्ट्रपति का अपमान है, वहीं पूरे देश के 12 करोड़ आदिवासियों, दलितों और पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। भाजपा ने ये मांग किया है कि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश की जनता के सामने अभिरंजन चौधरी द्वारा सदन में अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए देश की जनता के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे सांसद को कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यवाही करानी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि विपक्ष तो समाप्त है, पार्लियामेंट में वो कांग्रेस का विषय को रखते हैं। वो इतने मूर्ख आदमी हैं कि उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के बारे में ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। अविलंब उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और कांग्रेस का भी जो उसका चुनाव चिन्ह है वो भी उसका सीज होना चाहिए। इस टाइप के लोगों के साथ यही बर्ताव होना चाहिए और ये पूरे समाज का ये बदनामी है और पूरे आदिवासी समाज का इसने सम्मान नहीं किया है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बोलने में मिस्टेक हुई है, इसको लेकर माफ़ी भी मांगा गया। कहाँ माफ़ी मांगे, वहीं पर माफ़ी मांगे लेते। अगर हमसे अभी कुछ गलती बोला रहा है तो हम अभी कहेंगे कि स्पंज कर दिया जाए उसको। ये बात है, ये जानबूझ करके ये सब किया जा रहा है कि देश में माहौल खराब हो, ये सबसे बड़ी बात है। आज पूरे हिंदुस्तान में पुतला दहन हो रहा है,